मिष्ठान से यशवंत गुप्ता की रिपोर्ट। जिनमे दोपहर 2:30 बजे के लगभग महावीर नगर क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब एक मकान के दूसरे माले पर गोली चलने की आवाज आई। परिजनों ने ऊपर जाकर देखा तो दंपति मृत अवस्था में पड़े हुए थे। जीवाजीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत महावीर नगर निवासी देवकरण व्यास, जो कि सराफा स्थित नरसिंह मंदिर का पुजारी था, बुधवार 2:30 लगभग उसने अपने मकान के दूसरे माले पर अपनी पत्नी अंतिमा व्यास की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद स्वयं ने गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। गोली चलने की आवाज सुनते ही परिवार के अन्य लोग दूसरे माले पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। इस पर एडिशनल SP नीरज पांडे, जीवाजीगंज CSP और FSL टीम ने मौके पर पहुंची और लाश का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचाया। प्रथम दृष्टया मामला पारिवारिक विवाद का नजर आ रहा है। फिलहाल कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। पुलिस मृतक के परिजनों से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि मृतक दंपति 8 दिन पहले राजस्थान घूमने के लिए गए थे और 1 दिन पहले ही लौट कर आए थे। ये मोहन नगर घटनास्थल है, महावीर नगर जो थाना जीवाजीगंज में आता है। और यहाँ पति पत्नी जो जिनकी पिछले साल ही शादी हुई है 2017 में, उनकी डेड बॉडी यहाँ पर है। और प्रथम दृष्टया ये समझ में आ रहा है कि एक देसी कंट्री मेड हथियार है, उससे फायरिंग से इनकी डेथ हुई है। और चूंकि जो परिस्थितियाँ हैं अभी की स्थिति में, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक व्यक्ति ने दूसरे को गोली मारी है और उसके बाद खुद को गोली मार करके अपनी आत्महत्या कर ली है। अभी परिजन से बात नहीं हुई है, अभी मौके पर आए FSL अधिकारी, पूरी टीम आने वाली है और कुछ इंटरनल मैटर लग रहा है, वो अभी चर्चा करने के बाद और समझ में आएगा। उज्जैन से अजय निमा की रिपोर्ट।